हरियाणा के सर्व कर्मचारी संघ ने 26 नवंबर को हड़ताल करने की घोषणा की है। इस पर प्रदेश सरकार ने भी सख्त रवैया अपना लिया है। प्रदेश सचिव ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि सभी विभाग 26 नवंबर को कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित करें। विभाग अध्यक्षों को 12 बजे और 4 बजे दो बार हाजिरी रिपोर्ट पेश करनी होगी। लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित ना हो इसकी व्यवस्था करने को भी कहा गया है। बता दें कि हड़ताल के लिए संघ सदस्यों ने कमर कस ली है। केंद्रीय कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में गठित 7 टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं। ये टीमें कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगी। ये जानकारी सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगे काफी समय से लंबित हैं। सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इसलिए कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन बहाल करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लेने, नियमितीकरण की नीति बनाने, डीए और एलटीसी पर लगाई रोक हटाने, जनतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने, बैकलॉग को विशेष भर्ती करके पूरा करने सहित आदि मांगे शामिल हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।